हिमाचल राज्य को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक पानी जारी करने की अनुमति दी है और हरियाणा को भी निर्देश दिया कि वो जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, दिल्ली है, वहाँ पेयजल संकट को कम करने के लिए अथनीकुंड से वजीराबाद में पानी का जो प्रभावित हुआ था उसको संचालित करे। देखिए, ये बहुत साधारण सी बात थी। दिल्ली के अंदर जितना पानी 1993 में तय हुआ, आज 30 साल भी उतना पानी हमें मिल रहा है। दिल्ली की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, ये सब जानते हैं। हमने हरियाणा से कहा कि आप पानी छोड़िए, हरियाणा तैयार नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। हमने हरियाणा से कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमने बात की है, मैं खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से 2 बार मिला सुखू जी से, और हमने कहा कि हम आपसे पानी खरीदना चाहते हैं। सुखू जी तैयार हो गए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार से सिर्फ ये कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश जो पानी अपना दिल्ली को देना चाहता है, आप कम से कम वो पानी तो हमें लेने दीजिए। और हरियाणा की बदमाशी ये थी कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी, नहीं, हम आपको पानी के लिए रास्ता भी नहीं देंगे। अब आप बताइए, एक देश के हम सब राज्य हैं, एक देश के हम सब लोग हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये पहले ही नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस छोटे से मामले के अंदर भी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हरियाणा मानेगा? क्या केंद्र सरकार को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार को कहना चाहिए था कि भाई, जब हिमाचल पानी देना चाहता है, दिल्ली पानी खरीदना चाहता है, हरियाणा उसको रास्ता दे दे? ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसलिए हम हिमाचल की सरकार का और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को धन्यवाद देंगे। अब दूसरी बात, हथनीकुंड से जो पानी वजीराबाद आता है उसका स्तर लगातार कम हो रहा था। एलजी साहब को बजाय इसके कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दोष ढूंढने लगे, उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि हरियाणा के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो हथनीकुंड से पानी छोड़ें जो वजीराबाद पहुंचे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये बात तो पहले ही हो जानी चाहिए थी। और हम दोनों को, हिमाचल की सरकार को और हरियाणा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, तीनों को धन्यवाद देंगे कि कम से कम अभी होने दें, ये बहुत जरूरी है। दिल्ली की राजधानी में देश भर के लोग रहते हैं,